सब्सक्राइब कीजिए एसकेएन एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश। आज का वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 52 चाइनीज एप्लीकेशंस के बारे में बताया था जो हमारे और हमारे देश की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। कई बार इन चाइनीज एप्स के ऊपर डाटा चोरी का आरोप भी लग चुका है और कई बार इनको गूगल प्ले स्टोर से अनलिस्ट भी किया जा चुका है। कुछ चाइनीज एप्लीकेशन तो ऐसी हैं जो हमारे फोन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो इन चाइनीज एप्लीकेशन से कई गुना अच्छी और बहुत ही सुरक्षित है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जिस चाइनीज एप्लीकेशन की बात करेंगे वो जूम क्लाउड मीटिंग है, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। ये ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन प्ले स्टोर में इससे भी बहुत ही अच्छी ऐप गूगल मीट है। मैंने इसके ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, मैं अपने इस वीडियो में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि गूगल मीट को हम किस तरह से इंस्टॉल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली एप्लीकेशन की बात करेंगे, वो शेयर इट है, जो हर एक हिंदुस्तानी के फ़ोन में ये एप्लीकेशन पक्का होगी, जो कि एक डाटा ट्रांसफ़र का काम करती है। पहले तो ये डाटा ट्रांसफ़र का काम करती थी, आजकल इस शेयर इट पे ऐसा कंटेंट आ जाता है फोर्सफुली जो हम कभी देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन इससे भी बढ़िया विकल्प गूगल प्ले स्टोर में है, जिसको मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका नाम है फाइल्स बाय गूगल। ये क्या करती है ऐप, हमारे फ़ोन में जो डुप्लीकेट कोई भी चीज़ होगी जे उसको भी फाइंड आउट करती है, और उसके साथ साथ ये डाटा ट्रांसफ़र फाइल ट्रांसफ़र का काम भी बहुत बढ़िया तरीके से करती है। इतनी नीट और क्लीन एप्लीकेशंस है और गूगल का पूरा भरोसा है, तो आपने शेयर इट की जगह इसको इमीडिएटली इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अगर हम अगली एप्लीकेशन की बात करते हैं, वो टिकटॉक है, जो इंडिया में मोस्टली जो यूथ है उसने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इंडिया ने इसके पैरेलली एक ऐप निकाली है जिसका नाम है मित्रो। मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसी ऐप आप अपने फ़ोन में चलाओ, लेकिन अगर फिर भी आपने टिकटॉक का विकल्प देखना है तो मित्रो ऐप भी ऐसी ही ऐप है। 15 सेकंड का वीडियो ही इसके ऊपर बनता है और पूरा टिकटॉक की तरह ही इसका इंटरफेस है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगली चाइनीज़ एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम यूसी ब्राउज़र है। बहुत से लोगों ने इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखा हुआ है और उनका मानना है कि ये बहुत ही फास्ट डाउनलोड करता है, अच्छा ब्राउज़र है, लेकिन ये एक स्पाई का काम करता है। आप फोर्सफुली इतनी सारी एप्लीकेशंस अपने साथ ले आता है, हमें इमीडिएटली अपने फ़ोन से इसको अनइंस्टॉल कर देना है। सबसे बढ़िया अगर कोई ब्राउज़र है तो वो गूगल क्रोम है। कोई भी हैंडसेट बनता है बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम उसमें आता ही आता है, तो हमेशा हमें गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल करना है। सबसे बढ़िया और गूगल का प्रोडक्ट है तो हमें गूगल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगली जो एप्लीकेशन है वो है कैम स्कैनर, जो ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉई हर स्टूडेंट ने अपने पास इसको रखा हुआ है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। किसी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, बहुत सारी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना और उसको एक पूरी पीडीएफ फाइल बनाना, तो इसका विकल्प जो मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ कैम स्कैनर की जगह, वो है एडोब स्कैन पीडीएफ। इतनी बढ़िया और नीट एंड क्लीन एप्लीकेशन है, इसका इंटरफेस इतना ही अच्छा है कि कोई भी इसको आसानी से चला सकता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने कैम स्कैनर को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करके एडोब स्कैन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं इन सभी एप्लीकेशंस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से प्रेस करके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।